श्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के कारकत्व तो क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनसे क्या प्रोफेशन देखते हैं, उनसे क्या डिसीज देखते हैं, वो सब चीजें बता रहा हूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने सूर्य का बताया था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो ना देखी हो, सूर्य के बारे में ना देखा हो, तो काइंडली चेक कर ले। लास्ट वीडियो सूर्य की है। इस बार हम लोग चंद्र की बात करेंगे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का शांति मंत्र क्या है, इसके लिए क्या चीज दान करनी चाहिए, इसके कारकत्व क्या है, इससे क्या प्रोफेशन और क्या बीमारियां हम लोग देखते हैं, ये हम चंद्रमा के बारे में आज पता करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं चंद्रमा टॉपिक पे ही आता हूँ सीधा। देखिए, चंद्रमा को वैदिक साहित्य में बहुत बढ़िया मन कहा गया, इसको वेदों में मन कहा गया है, क्योंकि कहते भी है चंद्रमा मनसो जात, तो वेदों में इसको मन कहा गया है। और वैदिक साहित्य में इनके बहुत सारे नाम हैं, सोम भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, मास भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, विधु भी कहते हैं, ऐसे कई सारे नाम से इनको अभिहित किया गया है, ऐसे कई सारे नाम से इनको बुलाया गया है। और ये भी माना जाता है, ये कहा जाता है कि हे सोम, हे चंद्रमा, तुमने सब औषधियों को उत्पन्न किया है। अब क्या है, कई सारी औषधि जो होती है वो चांदनी रात में होती है, जैसे संजीवनी बोती थी वो चांदनी रात में हुआ करती थी, तो बहुत सारी औषधि जो है वो चंद्रमा की रात में ही पनपती है। तो इसलिए कहते हैं कि हे सोम, तुमने इन सब औषधियों को उत्पन्न किया है, अर्थात औषधियों से तुम विशेष रूप से रहते हो, इसलिए तुम औषधियों का कारक भी बोला गया है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा ने औषधियों को उत्पन्न किया हुआ है। तो इनको औषधिपति भी कह जाने लगा। जितने भी ये दूध, घी, तेल आदि में जो चिकनाई होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी दूध, तेल, घी में चिकनाई होती है, वो चिकनाई सोम ही है, चंद्रमा ही है। और तेल में जो चंद्रमा होता है या तेल में जो सोम होता है, वही दीपक उसी को ग्रहण करता है। ये चंद्रमा के बारे में इसमें दिया हुआ है। चंद्रमा किसी कुंडली में अगर अच्छा ना हो, पीड़ित हो, दो या दो से अधिक ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई वो शांति मंत्र करे, किसी तरह की चंद्रमा को मजबूत बनाया जा सके और उसकी मेंटल पावर को, उसकी मेंटल जो भी स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज किया जा सके। उसके लिए वैदिक शांति मंत्र दिया हुआ है, यजुर्वेद का मंत्र है। ये जो मंत्र यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे यजुर्वेद के मंत्र हैं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है अलग से। इस मंत्र को कर सकते हैं क्योंकि यजुर्वेद में है, तो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड मंत्र होंगे। इसमें मंत्र में है, इमं देवा अस्पत्ने सुबद्धम महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्यो इंद्रस्येन्द्रियाय इम अमुष्य पुत्रमस्य विष ए मोमी राजा सुमा अस्माकं ब्राह्मणाम राजा। ये मंत्र उसके लिए दिया हुआ है। और ये भी कहा हुआ है कि चंद्रमा अगर पीड़ित हो, तो आप चावल का, दूध का, चांदी का, मोती का, दही का, मिश्री का, या वाइट कपड़े या चंदन का, इनका दान कर सकते हैं, उससे चंद्रमा को प्रसन्न किया जा सकता है। चंद्रमा के बारे में बोला गया है कि जितने भी प्रोफेशन के बारे में, कि जितने भी केमिस्ट्री के फील्ड होते हैं, केमिस्ट्री में जो भी फील्ड होता है, चाहे वो केमिकल इंजीनियर हो, चाहे वो केमिकल प्लांट्स हो, तो जो भी केमिस्ट्री के या कोई किसी कंपनी के अंदर चीफ केमिस्ट हो, तो सारे प्रोफेशन जो है चंद्रमा से देखे जाते हैं। मेडिकल फील्ड में जितने भी हैं, नर्स है, मिडवाइफ है, इवन डॉक्टर्स भी जितने भी हैं या टेक्नीशियंस हैं, वो सारे चंद्रमा से देखे जाते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन को चंद्रमा से देखा जाता है। मेडिसिन चंद्रमा, कहीं भी अगर आप चंद्रमा आपका स्ट्रांग है और आजीविका निर्णय के हिसाब से आपका चंद्रमा आपकी आजीविका कारक रहे है, तो आप मेडिसिन वाली लाइन में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल लाइन में जा सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, नेवी में आप जा सकते हैं। जल से जितनी भी चीजें होती है, जल से उत्पन्न चीजें जो भी होती हैं, उनका व्यापार कर सकते हैं, और जल से जो चीजें बनती है उनको, उनका आप बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे आप नौकरी कर सकते हैं, ट्रेवल्स में आप नौकरी कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में आप नौकरी कर सकते हैं, लीकर प्लांट्स, क्योंकि उसके अंदर भी जल का इस्तेमाल होता है, तो जितने भी लीकर प्लांट्स हैं उसके अंदर भी काम करने वाला, या चंद्रमा उस प्रोफेशन को भी शो करता है कि लीकर प्लांट में काम करने वालों को भी शो करता है। डेयरी ऑनर्स को चंद्रमा शो करता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को चंद्रमा शो करता है, साल्ट, सैनिटरी पैड वगैरह जो होते हैं, डायपर्स होते हैं,
शिपिंग होती है, फिश होती है, एक्साइज, वुमेन वेलफेयर, गौशाला, पंडित, पुरोहित, क्लोक, हर्ब्स, कैटरर्स, इन सब चीजों का जो शो करता है वो चंद्रमा शो करता है। तो चंद्रमा की अगर आपकी कुंडली में आजीविका निर्णय ग्रह बनता है तो आप इन सब बिजनेस में या इन सब चीजों में आप जा सकते हैं, इस लाइन में आप जा सकते हैं, प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी 100%। ये कहा गया है। बीमारी क्या देखते हैं चंद्रमा से? चंद्रमा अगर पीड़ित हो या कोई प्रॉब्लम हो, गोचर में पीड़ित हो जाए तो उससे कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे बाई आंख, सूर्य से दाई आंख की बीमारी होती है, चंद्रमा से बाई आंख की बीमारी होती है, दोनों को आंखों का प्रतिनिधि कहा गया है। फ्लूइड ऑफ बॉडी, बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसमें कमी आ जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो, टेंशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस आने में दिक्कत हो जाती है, टीबी हो जाता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जो वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी चंद्रमा डिपेंड रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा और मंगल दोनों करते हैं मासिक क्रम को, तो उसकी अनियमितता जो है वो चंद्रमा और मंगल दोनों से देखी जाती है। अस्थमा, डायरिया, किडनी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, स्किन डिसीज वगैरह, स्किन डिसीज को ज्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं बुध की उसमें, लेकिन फिर भी स्किन डिसीज को भी ये कवर करता है। फियर, डर जो हमारे अंदर एक पैदा हो जाता है, हम किस चीज से डरने लगते हैं, या वो सब चीजें जो हैं हमारी चंद्रमा से उत्पन्न होती है। तो चंद्रमा कमजोरी कुंडली पीड़ित हो तो इस तरह की बीमारियां हो सकती है। इसके बाद बताया गया है कि चंद्रमा के क्या क्या कारक। तो देखिए, कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा क्या चीज सिग्निफाई करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी इनकी बात चलेगी तो आप चंद्रमा देखें, जब भी मन की बात चले तो आप चंद्रमा देखें, जब भी मां ममता की बात चले तो आप चंद्रमा देखें, जब भी जल पदार्थ की बात चले तो आप चंद्रमा देखें, रक्त की बात चले तो चंद्रमा देखें, भावुकता की बात हो या कैश इन हैंड की बात हो, कैश इन हैंड को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। चलता हुआ रुपया जिसे बोलते हैं हम लोग, वो कैश इन हैंड, उसको भी उसी से देखा जाता है। तेज गति की चीजें भी चंद्रमा से देखी जाती हैं, कि चंद्रमा मन की गति, मन माना जाता है, और मन की गति सबसे फास्ट गति होती है। मानसिक भाव, ये भी चंद्रमा से, सफेद रंग चंद्रमा से, फेफड़ों की बीमारी भी सबसे ही देखी जाती है। कलंक, अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो इंसान पे कलंक भी लग सकता है, क्योंकि चंद्रमा खुद को, चंद्रमा को भी कहा जाता है कि वो कलंकित है, चंद्रमा पे भी दाग है, इसलिए कलंक जैसा कारक भी चंद्रमा के अंडर में डाला गया है। बाकी खुशबू है, ब्राह्मण है, नींद है, सुख है, चांदी है, सर्दी का बुखार है, त्वचा रोग है, शरद ऋतु है, दही की चाह, दही खाने की चाह होती है, इच्छा होती है, ये सब चंद्रमा की वजह से होती है। खुशी होती है, उदासीन आदमी रहता है, या शंका उसके मन में रहती है, ये सब चंद्रमा की वजह से होती है। तो चंद्रमा इन चीजों का कारक है। तो चंद्रमा, इवन चंद्रमा माँ ममता का कारक तो है ही, इवन आंसुओं का कारक भी चंद्रमा है। जो आंसू हम लोगों को आते हैं वो भी कारक उसका चंद्रमा है, वो भी चंद्रमा ही सिग्निफाई करता है। तो चंद्रमा जब बलि हो तो माता से खुशी मिलती है, सुंदरता मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, संवेदनशीलता मिलती है, संपन्न परिवार मिलता है, लोकप्रियता मिलती है, अच्छी कलात्मकता मिलती है, कलात्मक सकारात्मक कल्पनाएं मिलती हैं अगर चंद्रमा हमारा बलि हो कुंडली के अंदर। चंद्रमा अगर पीड़ित हो हमारा तो बचपन में बीमारी रहती है, माता को कष्ट रह सकता है, आप मेंटली स्ट्रेस रह सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, डरपोक बन सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो चंद्रमा के पीड़ित होने से। अगर चंद्रमा और मंगल दोनों पीड़ित हो जाए तो इंसान उन्मादी हो जाएगा, इंसान विषिप्त भी बन सकता है। अगर चंद्रमा और मंगल दोनों पीड़ित हो जाए किसी कुंडली में तो वो विषिप्त भी बन जाता है। तो चंद्रमा का बड़ा रोल है, इसलिए आप चंद्रमा की चीजों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। कुंडली में, अपनी जितनी कुंडली में आप लोग चंद्रमा को चेक करें, देखें कि वो कहाँ बैठा है, पीड़ित ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं, और अगर चंद्रमा ऐसी पीड़ित ग्रहों से ग्रस्त है तो उसका मंत्र जरूर करें, अवश्य करें, अवश्य फायदा होगा। जो यजुर्वेद का मंत्र इसमें दिया हुआ है, या उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप में जो भी इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।